हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। और अभी दोपहर हो गया और हम लोग अभी नहाए हैं। 2:15 हो गया, संडे का दिन है। थोड़ा लेट में संडे को मतलब गोलमाल हो जाता है नहाना, और बाकी दिन जो है ड्यूटी टाइम रहता है। तो सुबह टाइमली उठ के 8 बजे तक नहा के पूजा वूजा करके रेडी हो जाते हैं, फिर ड्यूटी निकल जाते हैं। लेकिन आज संडे को लेट में नहाते हैं, गधा हो जाते हैं गधा। और बच्चे लोग क्या बीनने गए हैं मैं आपको दिखाता हूँ, और क्या कर रहे हैं बच्चे लोग उसको भी दिखाता हूँ। और तो बने रही हमारे वीडियो में, मैं चल जाके देखता हूँ बच्चे लोग कहाँ पे हैं। और अभी हम लोग वीडियो बना रहे थे, कॉमेडी वीडियो बना रहे थे, वो भी अपलोड कर चुका हूँ, वो भी आएगा आप लोग पास। तो कॉमेडी वीडियो भी आपको देखने के लिए मिलेगा हमारे शॉर्ट में, और लॉन्ग वीडियो भी। तो चलिए मैं मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं उसको आप लोग को दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं बच्चे लोग क्या कर रहे हैं। और ये देखिए, ये लोग बेर तोड़ रहे हैं डंडा से। और ये हमारे घर के बगल का बेर पेड़ है, और एक तो ये है, तो देखते हैं कितना इनको मिला है। ये देखिए थोड़ा सा भी है इनके टोकरी में, और ये लोग गाना गाते रहते हैं। तो ये देखिए, और ये लोग और रखे हैं बहुत सारा बिन बिन के, और क्या बोलते हैं। और ये जो दोनों बच्चे हैं मेरा, ये ना बहुत सारा मतलब बिन बिन के सकल सकल के रखे हैं और छत में रखे हैं। तो चलिए मैं छत में आपको दिखाता हूँ कितना है, और उसके बाद इन सब का हम लोग बनाएंगे क्या, वो इनका रोटी बनाएंगे। उसमें क्या क्या डालेंगे, नमक मिर्चा। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मेरे दोनों बच्चे बिन बिन के लाए हैं और इसको सुखा रहे हैं छत में। और यहाँ पे और है, इसको ढक के रखे हैं। वो इसलिए ढक के रखे हैं क्योंकि बीच में पानी वानी गिर दे रहा था ना, तो इसलिए ढक के रखे हैं। तो इतना सारा बहुत सारा हो गया है अभी बेर। अब इसको हम क्या के बना के खाएंगे, बोईर का रोटी। रोज़ ये लोग जाते हैं थोड़े थोड़े समय, और 10-10 ठो 20-20 ठो 25-25 ठो ऐसे इकट्ठा कर करके बहुत सारा इकट्ठा कर लिए हैं ये लोग दोनों बच्चे। तो देखें फ्रेंड्स मेरे दोनों बच्चे कैसे थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर करके बेर को बहुत सारा इकट्ठा कर लिए हैं, और इसके दादी को बोलते रहते हैं कि दादी हमें बोईर का रोटी चाहिए, बेर का रोटी। और मेरे बेटा टबाकी बोलता है मांटू कि उसमें नमक डाल देना, मिर्ची डाल देना, बहुत झार लगेगा तो मज़ा आएगा। और ऐसे करते रहता है, ऐसे कर करके खाऊंगा बोलता है। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे ब्लॉग में, और जब बेर का रोटी बनेगा तो भी आपको दिखाएंगे और आपको खिलाएंगे। तो कैसे लगता है बेर का रोटी आपको तो पता है। तो हम लोग बेर का रोटी बनाएंगे, और उसको ना इसमें पीसेंगे, उसको ढेंकी बोलते हैं। शायद आप लोग जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं, मैं जान रहा हूँ ढेंकी। पहले ज़माने में क्या है, मशीन नहीं रहता था धान कूटने वाली, तो एक ढेंकी टाइप का होता था, और पैर से उसको दबाते थे तो वो मतलब वो गिरता था ना, तो क्या बोलते हैं उसको, धान का छिलका निकलता था वहाँ से, तो चावल बनते थे। अब तो मशीन का ज़माना हो गया, तो मशीन में डालो और भूसी अलग और ये अलग हो जाते हैं, लेकिन पहले ढेंकी में कूटते थे। तो उसी में हम लोग कूटेंगे उसको, फिर उसके जो निकलेगा उसको उसमें हम लोग डालेंगे मिर्ची नमक, फिर मिला के उसको रोटी बनाएंगे बेर का। बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत खाया हूँ, मेरी दादी थी तो वो बहुत बनाती थी। तो फ्रेंड्स बने रहिए ब्लॉग में,